أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم MCS second semester आपको lecture number 15 में welcome। अच्छा computer communication and networks का जो हम course पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि ये merge है communication और network का। तो communication में हमने पहले काफी सारी चीजें पढ़ी, उनको समझा हमने layer one से। इसको पहले हमने इसका overall एक subject का introduction लिया, फिर डिफरेंट नेटवर्क मॉडल पढ़े हमने। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर देखा था लेयर्स का, TCP/IP लेयर्स हमने देखी, उनका OSI के साथ मुवाजना, TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल, इनका मुवाजना हमने किया। अब हमने जो चीज इस बुक के थ्रू जा रहे थे उसमें हमने इन लेयर्स को वन बाय वन पढ़ना शुरू किया डिटेल में। ठीक है जी, पहले हमने फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर अब आगे हम चल रहे हैं। तो हर एक लेयर्स में से हमने कुछ कुछ पोर्शन लिया। अब जो डेटा लिंक लेयर है इसमें भी हमने कुछ पोर्शन इसका लिया, और उसमें हमने डेटा लिंक लेयर में जो पहला चैप्टर था उसका चैप्टर नंबर 9 वो हमने पढ़ा, और उसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में जो चीजें स्टडी की थी वो हमने उसकी टाइप्स ऑफ एड्रेसेस पढ़े थे, और ARP प्रोटोकॉल पढ़ा और मैक एड्रेस को पढ़ा। मैक एड्रेस को हमने अच्छी तरह जाना। अब अगर हम लेयर्स की बात करें तो लेयर्स में जो अगली लेयर आ रही है वो नेटवर्क लेयर है, लेकिन उससे पहले ये जो डेटा लिंक लेयर है इसमें भी काफी सारी चीजें बाकी हैं। आईडी डिटेक्शन एंड कंट्रोल, DLC, मीडिया एक्सेस, यानी कि इन हर एक की एक जिसे आप कहते हैं डेप्थ बाकी है। लेकिन अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और मैं अब नेटवर्क लेयर पर आ जाता हूँ। और नेटवर्क लेयर को स्टडी करने से पहले यहाँ से आपकी कुछ यानी कि प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, क्योंकि आपका ये लैब का कोर्स था वो भी मैं आपको कुछ सिखाऊंगा इसमें, और कुछ हट की चीजें पढ़ाऊंगा। यानी कि नेटवर्क लेयर पे जाने से पहले मैं एक ओवरऑल स्केच आज के इस लेक्चर में आपसे डिस्कस होगा इसलिए कि ये मेरे पास एक पहले का एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो मैंने MCS 4 को दिए थे। उनको गो के मैं कोर्स डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क से रिलेटेड और IP एड्रेसेस से रिलेटेड उनको एक जो नॉलेज था वो मैंने दिया था, और वो एक कॉमन लेक्चर आप समझ लें। तो आज का ये लेक्चर वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा जो मैं आपको यहाँ पर दूंगा, और उस पर पहले इंटरनेट को डिस्कस किया जाएगा और इंटरनेट की वर्किंग को डिस्कस किया जाएगा, और फिर इंटरनेट पर जो एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं और उस पर वो वेबसाइट ओपन कैसी होती है, यानी कि IP एड्रेस, वो स्टडी किया जाएगा। फिर इसी तरह उन्हीं को ही रिकॉर्डेड लेक्चर है एक IP एड्रेसेस का, फिर इसके बाद नेक्स्ट में वो अपलोड कर दूंगा। तो ये कुछ रिकॉर्डेड ऑलरेडी लेक्चर्स हैं, और लेक्चर्स के दौरान आप शायद ये फील करें कि मैं MCS 4 से मुखातिब होगा, चूंकि मैंने ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, इसलिए आपको ये पहले बता रहा हूँ कि वो अब मैं अपलोड कर दूंगा। और सेम चीजें हैं जो असल में आप ही की चीजें थी जो ऑलरेडी पढ़ चुके हुए थे, लेकिन मेरे पास चूंकि वो भी आए थे 4 में, उन्होंने मुझसे ये वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट पढ़ना था, तो मैं उनको एक अच्छी बेस देना चाह रहा था IP एड्रेसेस की, ताकि वो आगे जब चले फाइनल सेमेस्टर में है चूंकि वो, और वो अभी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो क्वेश्चनिंग होती है, तो जो चीज उन्हें इस बेस पर सीखनी चाहिए थी यानी कि जब वो आपकी स्टेज पर थे, तो वो मैं उन्हें मैंने उसमें सिखाई है, तो वो लेक्चर अभी मैं इसमें अपलोड करूंगा। तो अभी जो आपका ये लेक्चर नंबर 15 है, और इसके बाद भी कुछ लेक्चर में हर एक लेक्चर के स्टार्ट पे वो देख के आपको बता दूंगा। तो इसमें आप जस्ट पहले आप स्टार्ट करते हैं इंटरनेट के ओवरऑल बताया जाएगा इसमें कि इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, उसकी वर्किंग क्या है, और एक ओल्ड बुक से या IT की एक बुक है IT सीरीज की, वहां से वो सारा मटेरियल लिया गया, तो वो उसी पैसे ही पढ़ के आप इसको जरा गौर से सुनेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको IP एड्रेस की ये लेक्चर दोनों तीनों ये सुनने के बाद समझ नहीं आती, तो फिर मैं एक ओवरऑल दोबारा से आपको जब खुसूसन जब मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसके कराऊंगा पैकेट ट्रेसर के ऊपर। पैकेट ट्रेसर आप इंस्टॉल तो कर लेते हैं, अब उसमें कैसे कम्युनिकेशन करें, ये दो तीन लेक्चर सुनने के बाद फिर आपको अगले लेक्चर में मैं आपको वो उसमें भी कम्युनिकेशन करना सिखा दूंगा और काम करना सिखा दूंगा इंशाल्लाह।
ये सबसे पहले हम इंटरनेट को स्टडी करते हैं। द इंटरनेट इज अ लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटर्स दुनिया में कनेक्ट हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे नेटवर्क्स बने हुए हैं जो मिलकर एक इंटरनेट बना देते हैं। अब ये नेटवर्क कैसे बने? द कंप्यूटर्स कनेक्ट टू द इंटरनेट कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अदर। These computers are connected through different telecommunication links like phone lines, fiber optics, satellite and wireless connection. इनके साथ मिलकर ये इंटरनेट बना है और पूरी दुनिया आपस में इस वक्त कनेक्ट है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज है, इंटरनेट इज यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कॉल्ड होस्ट और सर्वर। अब इंटरनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अगर कोई, तो वो होस्ट या सर्वर्स पर पड़ी होती है। दीज कंप्यूटर यूज अ कॉमन प्रोटोकॉल जिसे TCP/IP कहा जाता है, जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जितनी भी कम्युनिकेशन इंटरनेट के ऊपर हो रही है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP, ये बेसिकली दोनों को इकट्ठा इसी तरह लिखा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक मिलकर एक सूट है जो जिसकी मदद से कम्युनिकेशन हो रही होती है। नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑनर ऑफ द इंटरनेट। अब इंटरनेट का इस वक्त कोई मालिक नहीं है। स्टार्टिंग में जब आपने इसी पढ़ी थी कि जब USA से स्टार्ट हुआ था, अब इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। ठीक है, इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क है, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं डिफरेंट लिंक्स के थ्रू, आपस में वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। दिस इज इंटरनेट। अब वर्किंग इसकी कैसे हो रही है जी? द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ दिस कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर अ कंप्यूटर नेटवर्क। द नेटवर्क इज यूज्ड ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद वन अनदर। अ पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग फोन लाइन, DSL और केबल मॉडेम। अच्छा, अब अगर मैं इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करना होगा और उससे इंटरनेट की सर्विसेज देनी होगी। तो वो मैं उनसे सर्विसेज लूँगा, वो मुझे एक लिंक दे देंगे, चाहे वो DSL हो या किसी और वैसे, वो मुझे लिंक दे देंगे। आजकल DSL ही है, तो वो मेरे घर में एक मॉडेम लग जाएगा, मैं उसके साथ अपना सिस्टम कनेक्ट करूंगा और इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू करूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें जो अगली चीज डिस्कस करने वाली थी, ओवरऑल एक इंटरनेट का आपको स्केच हो गया। TCP/IP भी हम आते हैं, जहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। कनेक्शन टू द इंटरनेट। द यूजर हैव मेनी ऑप्शंस फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। एवरी टाइप्स यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास इसमें हमने सबसे पहले इंटरनेट को डिस्कस करना है, फिर वर्किंग कैसे कर रही है, और फिर हम डायरेक्ट इंटरनेट एड्रेस पे चले जाएंगे। वर्किंग देखिए हमने, अब इंटरनेट से अगर हमने कनेक्शन लेना हो तो आपको बताया कि हम किसी भी ISP से रब्ता करेंगे और उसके उससे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी ले लेंगे, ये जनरल सी बात है। अच्छा, उसके बाद इंटरनेट एड्रेस आ गया जी। इंटरनेट एड्रेस क्या चीज है? अभी हमने एक बात कही कि कंप्यूटर्स नेटवर्क है। अब कंप्यूटर, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, इट मीन्स कि वो आपस में किसी न किसी रूल के तहत कम्युनिकेट कर रहे हैं। मोबाइल की एग्जांपल लें, जिस तरह से हर मोबाइल का टेलीफोन नंबर है, जिस तरह से हर मोबाइल का कोई नंबर है, उस नंबर से उस मोबाइल के साथ बात की जाती है। अब अगर मेरा नंबर है 03005522692, अब अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक मखसूस पैटर्न में है और ये पूरे पाकिस्तान में मेरा यूनिक नंबर है। यानी कि पूरे पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है जो इन नंबर्स को देख रही है। ठीक,
इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट एड्रेस आर यूज्ड टू एक्सेस डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज अ यूनिक एड्रेस। हर कंप्यूटर जो इंटरनेट पर मौजूद है उसका एक यूनिक एड्रेस है। अब मैं अगर इस वक्त इंटरनेट से कनेक्ट हूँ तो इस वक्त मैं एक यूनिक एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। वो एड्रेस आप कैसे चेक कर सकते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट की वो उसकी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ जाती है। मैं आता हूँ तफसील में। अच्छा जी, ईच कंप्यूटर हैज अ यूनिक एड्रेस। जिस तरह से हर एक मोबाइल का एक यूनिक नंबर होगा तब आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसी तरह हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है। और ये जो एड्रेस होता है ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की कनेक्शन को जब हम बनाते हैं तो उस वक्त इस्तेमाल होता है। अब ये जो एड्रेसिंग स्कीम इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल हो रही है वो उसे कहते हैं जी आईपी एड्रेस। उसे हम कहते हैं जी इंटरनेट का जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस कहलाता है। और एड्रेसिंग की ये जो स्कीम है वो उसके दो वर्जन इस वक्त चल रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। आईपी एड्रेसिंग में आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 ये इस वक्त दो चल रहे हैं कंप्यूटर की एड्रेसिंग के लिए। आईपी एड्रेस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा उसका एक यूनिक एड्रेस होगा जो एक खास एड्रेसिंग स्कीम में लिखा गया होगा, जिसको या तो वो आईपी 4 में लिखा गया होगा या आईपी वर्जन 6 में लिखा गया होगा। आप यूं समझने के आज अभी आईपी वर्जन 6 चल रहा है लेकिन अभी तक जो आईपी वर्जन 4 ही चल रहा है, ठीक है। मैं उसी को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा और आईपी वर्जन 6 का एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर लूंगा। द एड्रेस स्पेस फॉर आईपी वर्जन 6 क्विकली रनिंग आउट ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट की डिमांड बढ़ रही है डे बाय डे, नई नई डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं, नंबर ऑफ वेबसाइट्स बन रही हैं और हर वेबसाइट के पीछे कोई ना कोई आईपी एड्रेस चल रहा होता है। तो ये क्या है, इससे उसकी डिमांड बढ़ रही है और आईपी वर्जन 4 की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो उसके लिए फिर जो है ना जो नया वर्जन आ गया वो आईपी वर्जन 6 है। आईपीवी 4 जो एड्रेस है ये 32 बिट होता है जबकि आईपी वर्जन 6 जो है ये 128 बिट होता है। अभी आता हूँ डिटेल में बताता हूँ इसमें हम कितना कैसे लिख सकते हैं। दूसरी, अब ये जो आईपी एड्रेस में हर चीज कंप्यूटर जो हमारे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं ये क्या है, ये नाम यूज कर रहे हैं, सॉरी ये आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं। अब आईपी एड्रेस तो आगे लेकिन आईपी एड्रेस को नेमिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें डीएनएस एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये जो जिस तरह से मोबाइल फोन इनको अगर यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान में जो मोबाइल नंबर्स हैं अथॉरिटी है पैट पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है पीटीए है, इसी तरह से हर मुल्क में अपनी अपनी अथॉरिटीज हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि मोबाइल नंबर्स क्या होने चाहिए, क्या सीरीज होनी चाहिए, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये वो बताते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी कि अगर हम इसको देखें यहाँ पर, मैं आपको थर्टीज का थोड़ा सा बता लूँ क्योंकि वजह चीज़ें उससे आपका बड़ा नॉलेज बढ़ता है। PTA पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे काम कर रही है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेली कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान। टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसको जिम्मेदारी है PTA को डील करना। और अगर आप इनके अबाउट अस पे जाएं, ये इनकी वेबसाइट है जिसमें आपको इसमें बट एक इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई कि ये उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
ओपन कर लेता हूँ। अच्छा आईपी एड्रेसिंग पे आ जाते हैं जब, ये सॉरी डीएनएस एड्रेसिंग पे। आईपी एड्रेस डिफिकल्ट टू रिमेम्बर फॉर द यूजर्स। ऑल सर्वर्स ऑन द इंटरनेट आल्सो हैव ह्यूमन रीडेबल नेम्स, इट इज नोन एज अ डोमेन नेम। ऑल सर्वर्स ऑन द इंटरनेट आल्सो हैव ह्यूमन रीडेबल नेम्स। अब जितने भी सर्वर्स इस वक्त काम कर रहे हैं वो सब एक रीडेबल नेम रखते हैं। अब ये नेम इनके बैक एंड पे आईपी चल रहा होता है, जैसे आप अपने मोबाइल से कोई नंबर मिलाते ना तो आपने वो नंबर सेव किया हुआ है किसी नाम से, तो आप वो नाम सर्च करते हैं और उस नाम पे क्लिक करते हैं और जाके उस बंदे को कॉल, उस बंदे के मोबाइल नंबर पे कॉल चली जाती है। और बैक एंड पे क्या होता है कि उसका मोबाइल नंबर सेव है जो वो चल रहा है। इसी तरह ये डोमेन नेम क्या करता है, ये आईपी एड्रेस से ये नेम को रिजॉल्व करता है। जब आपने एक नेम भेजा कि मुझे इस जगह पे जाना है, जैसे डोमेन इंस्टेड ऑफ नंबर्स, अच्छा ये डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ अ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नंबर्स इज कॉरस्पोंडिंग इन आईपी एड्रेस ऑफ अ सर्वर और होस्ट वेबसाइट, द डोमेन नेम इज इजीयर टू रिमेंबर देन आईपी एड्रेस। www.google.com इज एन एग्जांपल ऑफ डोमेन नेम। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं www.google.com तो ये क्या है, हमारे पास ये पेज ओपन हुआ। अब इसका आईपी एड्रेस क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। और यहां पर मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको आईपी कॉन्फिग करके, ये मेरा आईपी एड्रेस है जी, ये इस वक्त मेरा आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस बता रहा है, ठीक है 192.168.1.18। और ये मुझे वो बता रहा है मेरा क्या कहते हैं इसको, मैक आईपी वर्जन 6 का एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से आप उनके एड्रेसेस चेक कर सकते हैं। अच्छा चलिए इसे क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पिंग www.google.com। तो देखिए मैंने जब पिंग किया google.com को तो रिप्लाई में मुझे एक एड्रेस मिला हियर। इनफैक्ट जो google.com है उसका आईपी एड्रेस ये है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस ये है। ये इसलिए तफसील से बता रहा हूँ कि आप वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं और आपका जो सबसे पहला काम होगा वो तो यही होगा कि आपने वेबसाइट को बनाने के बाद लॉन्च करना है और उसके अगेंस्ट आपको होस्टिंग और डोमेन खरीदनी है। तो ये इस वजह से ये सारी बातें समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर जाके मैं अगर करता हूँ जी, ये आईपी एड्रेस मैंने लिखा और सिर्फ आईपी एड्रेस ही लिखता हूँ और इसको अपने ब्राउजर में ओपन करता हूँ। देखिए मेरे पास google.com का ही पेज ओपन हुआ। तो अब क्या हुआ कि मेरा ये जो सर्वर है जिसके ऊपर google.com पड़ा हुआ है इसका एक आईपी एड्रेस है, इसका एक आईपी एड्रेस है। और ये जो सर्वर है इसे कहा जाता है वेब सर्वर, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट्स पड़ी होती है। यहाँ पर मैं एक और चीज भी आपको बता दूं, अक्सर हम ये देखते हैं ये www लिखा होता है। अब www और इंटरनेट इन दोनों में फर्क है। इंटरनेट तो भी आपने देखा ना कि जो तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं, ये क्या है, ये इंटरनेट। अब मेरा एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक इंग्लैंड में है, मैंने इंटरनेट की फैसिलिटी ली, इंटरनेट के कनेक्शन लिया। अपने इन दो कंप्यूटर में से मैं कुछ भी डेटा उठाता हूँ, वहां से मैं कोई मेटेरियल उठा के अपने सिस्टम पे लेके आता हूँ, यहाँ से उठा के वहां पे शेयर कर देता हूँ, तो ये मैं www को यूज नहीं कर रहा। www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जहां पर हम इंटरनेट की जो चीज हम पब्लिश करना चाहते हैं, लाइक ए वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या, हम ये पब्लिश करना चाह रहे हैं कि हमारा कोई कंटेंट, जिसको मैं अब मेरे कंप्यूटर पे कोई कंटेंट पड़ा हुआ और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं पब्लिश करूँ, तो पब्लिश करने के लिए मैं उसको www यानी कि वेब के ऊपर डालूंगा। और वो ये एक डायरेक्टरी है www, ठीक है,
एक सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके ऊपर तमाम वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन है, तमाम आईपीस की इंफॉर्मेशन है, तो ये उसके ऊपर मैं अपनी इंफॉर्मेशन रख दूंगा, वहां से कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इंटरनेट इज डिफरेंट थिंग। अच्छा जी, अब इसमें ये आपको समझ आया, google.com जो आपने लिखा बेसिकली ये उसका नाम था और बैक एंड पे इस सर्वर का आईपी एड्रेस चल रहा है। अब ये देखिएगा, ये अथॉरिटी है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स, आयाना कहते हैं वैसे इसको, IANA आगे कहीं पे इसका नाम भी शायद आए, तो ये इस चीज को सारी मैनेज कर रही होती है। और इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट असाइन एंड कंट्रोल द टॉप लेवल डोमेन रूट जोन। अगर आप इसको सर्च करें, मैं आता हूँ उस पर। जब आप इनको डोमेन परचेज करते हैं ना, आप डोमेन लेंगे कि आप कोई अपनी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, उसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डोमेन परचेज करेंगे, तो आप समझ लें कि इनसे रब्ता करेंगे, वो इंफॉर्म इनसे नहीं करेंगे, बेसिकली आगे काफ़ी सारी कंपनीज आ गई हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपके इन तक पहुँचेगी, इस रूट जूम फाइल तक जो आपकी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, जो भी आई पी आपको असाइन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि आगे ऑटोनॉमस सिस्टम के तहत आईपी एड्रेसेस की जो है वो इतना बेचे जा चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट है पाकिस्तान को या एशिया को जो एक रेंज दी गई है, यहाँ पे डिफरेंट आईएसपी काम कर रहे हैं, जो ही वो अपने होस्टिंग से कोई आपको असाइन करते हैं आईपी एड्रेस और आपको कोई होस्ट कोई सर्वर दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन पे उनसे शेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो टॉप लेवल्स की डोमेन आती हैं वो .com, .org, edu, education को शो कर रहे हैं, Yahoo, ये सारी डोमेन नेम हैं। अब अगर इनको देखें तो com से मुराद कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगी कोई, अगर हम आपने कोई वेबसाइट बनानी है कमर्शियल जिसका काम है तो वो आप .com बनाएंगे, कोई एजुकेशन किया तो आप उसमें .edu ऑफर के लिए बनाएंगे, तो वो उनको ढूंढेगा ही, जब वो रिसर्च उसमें जब वो सर्च करता है तो वो उस डायरेक्टरी में जाके एजुकेशन की डायरेक्टरी में जाके उसको ढूंढेगा। अ मेथड यूज्ड टू स्टोर डोमेन नेम एंड कॉरस्पोंडिंग आईपी एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। ये जो मेथड है जिसके तहत ये नेम्स ढूंढे जाते हैं उसके और कॉरस्पोंडिंग आईपी उसका ढूंढा जाता है, वो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है, या जिसे स्टोर किए जाते हैं नाम और उनको एक आई पी असाइन किया जाता है, ये डोमेन नेम सिस्टम है, और दोबारा उसको कन्वर्ट जब आप लिखते हैं तो वो आपको नाम मिलता है। या कि जी वर्ल्ड वाइड वेब अभी आपको बता रहा था, स्टैंड्स फॉर इस कार्ड अ वेब, इट इज लॉन्च 1989 में इसको लॉन्च किया गया यूरोपियन प्रैक्टिस जिनेवा में, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अगर इंटरनेट के ऊपर आपने कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी है तो आप उसको वेब यानी कि www पे डालेंगे। It is the collection of documents or web pages stored on web servers connected to the internet around the world. अब ये वो servers हैं जिनके ऊपर information डाली जाती है जो internet के through आपस में connect है। ठीक हो गया? It is a collection of documents or web pages जो internet से आपस में connect. This is not a internet. A web page is a document जो world wide web. Web page क्या चीज होती है? जो चाहते हैं कि आप www पे वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो पब्लिश हो, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें है उसको वेब कहा जाता है और वो वेब पेज कहा जाता है, और बहुत सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बना देते हैं। ठीक है, एनीवन कैन व्यू वेब पेजेस थ्रू अ वेब ब्राउजर, और उसके लिए वेब ब्राउजर की मदद से वो उसको ओपन करके एक्सेस करते हैं वेबसाइट को। अच्छा जी, अ वेबसाइट आर स्टोर्ड ऑन अ होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, दिस कंप्यूटर नाउन एज वेब सर्वर। जो सबसे पहली बात सारी कहानी में सारी आपने याद रखनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जिसका आगे बहुत ज्यादा लिंक होगा और अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, इसको आप एक बड़ा सा करके अपने दिल पे लिख लें, वो ये है कि जो वेबसाइट्स होती हैं हमारी, ये वेब सर्वर पर स्टोर होती हैं। जिस कंप्यूटर पर ये स्टोर होती है उसे वेब सर्वर कहा जाता है। ये क्यों मैं इस बात पर इतना जोर दे रहा हूँ, ये आगे के लेक्चर्स में आपको इस चीज का भी इलम होगा। आगे चलते हैं जी हम। इसमें एक क्या था, इंटरनेट एड्रेस 400, यस
330 पे आ जाते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस पे। हमें जी सबसे पहली बात जो पता चली वो ये है कि कंप्यूटर, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस है, हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब वेबसाइट जो होती है बेसिकली इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले जब इसका परचेज करेंगे तो आप उसका नेम परचेज करेंगे, डोमेन नेम, आप वो डोमेन नेम रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद फिर आप उसके लिए सर्वर या होस्टिंग जिसे हम कहते हैं वो आप देखेंगे कि हमने इसको कहाँ पर होस्ट करूँ। वो होस्ट आपको एक आईपी एड्रेस देगा जो आपकी वेबसाइट के नाम से रजिस्टर हो जाएगा। अब ये आईपी एड्रेस क्या चीज़ है, हमने इससे पहले मैक एड्रेस होता है जो कि हमारे कोई भी जो हार्डवेयर लगा होता है ना हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, हर एक हार्डवेयर का एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में यूनिक होता है। हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है वो पूरी दुनिया में यूनिक होता है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है और ये कहीं से बंद कर आया है, उस कंपनी को एक सीरीज दी गई है कि इस सीरीज से आगे आप अपना मैक एड्रेस लिखते जाएं। अब जो भी इसमें खसूसन जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है या वाईफाई कार्ड होता है उसको एक मखसूस किस्म का एक नंबर दे देते हैं, ठीक है। वो नंबर आप कैसे देख सकते हैं, मैं आपको मैक भी दिखा देता हूँ। मैं आईपी कॉन्फ़िग, अब इसमें ये देखिएगा, बिल्कुल नहीं दिखा रहा आईपी कॉन्फ़िग, इसमें तो नहीं दिखा रहा, तो कोई मसला नहीं। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करते हैं आप तो हमें एक फिजिकल एड्रेस दिखाएगा। जैसे वायरलेस लेन है मेरी, ये रही, और इस वक्त मैं वायरलेस लेन अडॉप्टर वाईफाई से कनेक्ट हुई, वाईफाई है जी, वाईफाई, ये वाली इंफॉर्मेशन। अब इस पे देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। फिजिकल एड्रेस ये लिखा 55B C2B1, ये हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में होता है। और ये होता है 48 बिट का, सोलह 48 बिट का होता है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। बहरहाल ये क्या है जी, हमारे पास फिजिकल एड्रेस है और ये उसका IPv6 है, ये IPv4 में वो आईपी दिखा रहा है, ठीक है, ये इसकी गेटवे का आईपी एड्रेस है। अच्छा, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम इनको डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा जी, अब ये तो हो गया ना, लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड वाइड एड्रेसिंग बाय यूजिंग अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर्स लोकल नेटवर्क, ठीक है। आईपी नेटवर्क नंबर्स आर असाइन बाय द इंटरनेट असाइन नंबरिंग नंबर अथॉरिटी आयाना, ये अथॉरिटी है जो पूरी दुनिया में इस वक्त डील कर रही है किसको, आईपी को। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम चले जाते हैं इंटरनेट पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयाना और ayana.com, ये खोल लेता हूँ मैं, ये देखिए ये इनकी वेबसाइट है जो ये सारा काम कर रही है। अच्छा जी, अबाउट अस के पेज पे आता हूँ मैं इसके, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग सम ऑफ द की एलिमेंट्स that keep the internet running smoothly whilst the internet is renowned for being a worldwide network free from central coordination there is a technical need for some key part of the internet to globally coordinate and this coordination role is undertaken by us, theek hai, wo jitne bhi industry coordination jo isme internet se related issues aa rahe hain wo sab yahi resolve karenge। अब इसमें अगर आप देखना चाहते हैं डोमेन नेम, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए डोमेन नेम सर्विस क्या है जी, DNS रूट जूम, ये जो शुरू में आरपा थी, ये एक इंटरेस्टिंग रूट जूम पे मैं आता हूँ, जरा देखिएगा ये आ गया। अब इसमें वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द DNS रूट जूम, दिस रोल
means assigning the operators of top level domain such as .uk in .com and maintaining their technical and administrative details. अच्छा अब ये आ जाता है जी कि जो बात आपने वहाँ पे पढ़ी थी कि ये एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है और रूट जूम डेटाबेस, ये वो डेटाबेस है जिसमें इन्होंने किसी हद तक कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दी है. क्या दी हुई है जी इन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? द रूट जूम डेटाबेस रिप्रेजेंट द डेलीगेशन डिटेल ऑफ अ टॉप लेवल डोमेन इंक्लूडिंग TLDs such as .com in country code, TLD such as UK or TLD. TLD such as top level domain, country code और उनके आगे नंबर देखिएगा. इसमें इंटरेस्टिंग चीज कि ये डॉट एसी ये किधर चल रही है, कंट्री कोड आ गया इसका. अच्छा जी अब मैं जाता हूँ डॉट पी के ढूंढता हूँ उस पे ये एक कब की हुई है वो सारी डिटेल उसमें आ जाएगी. .com उसकी आप अगर देखने पहले वो दिखा देता हूँ. ये रही .com जेनरिक है, ग्लोबल रजिस्ट्री सर्विसेज है जी. इसमें मैं जाता हूँ .com तो डेलीगेशन रिकॉर्डेड फॉर .com स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन वरी साइन ग्लोबल रजिस्ट्री सर्विसेज है जी. ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट क्या है ये उसका सारा कॉन्टैक्ट है, टेक्निकल कॉन्टैक्ट ये है और उसमें जो आईपी एड्रेस उनके चल रहे हैं 192.5.6.30 और उनके वो ए डॉट GTLD server.net ये उनके आईपी एड्रेसेस आ गए. रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो ये क्या है, the domain is managed under ICANN registry system. You may register domain in .com through an ICANN accredited registrar. The official list of ICANN accreditation registrar और ये है और ये उसकी वेबसाइट है और ये रिकॉर्ड लास्ट जो अपडेट इसमें वो 5/10/2017 को. उसके बाद आप मैं एक बैक स्ट्रक्चर पे आता हूँ और डॉट पी के लिखता हूँ MNOP. इस पे क्लिक करता हूँ. कंट्री कोड है जी पी के. अच्छा डेलीगेशन रिकॉर्ड फॉर पी के क्या है जी, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है पी के एन आई सी और ये 7 औरंगजेब ब्लॉक नियर और न्यू गोल्डन टाउन लाहौर. ये उसमें इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है पीके की जो डोमेन है तो पीके के सर्वर लगे हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट है जी अशर निसार और 7 ब्लॉक ये उसका नंबर आ गया और ये आ गया जी आगे आईपी एड्रेस क्या जी 119 root.pknic.pk107185. ये देखें ये आपके आईपी वर्जन 4 के हैं और बाद में फिर लेटेस्ट जो आगे आईपी वर्जन 6 के आईपी एड्रेस इसमें आ गए. रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन इसकी है जी पीके, उसकी अगर आप रजिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं ये उनकी वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हैं. ये जो हमारी पाकिस्तान की वेबसाइट है ठीक है serving.pk since 1992 ठीक है 1992 से इंटरनेट ये जो चल रहा है और इसमें भी आपको इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक मिल सकती है. ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसमें सर्च करें देखें और चीज़ों को लर्न करें. अब आ जाते हैं जी हम अपने असल टॉपिक की तरफ. मैं इसको देख लेता हूँ हमारी वीडियो कितनी हो गई है वरना फिर हम इसको आईपी एड्रेसिंग को नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे. इसको स्टॉप कर